भैया बहनों का आज के बाद अपने चम्मल का नारा क्या रहेगा जानते हो? क्या रहेगा बहन? आज के बाद चम्मल का नारा रहेगा इंतकाम का चला, इंतकाम का चला, इंतकाम का चला। दूगी अरे बेटा दूगी अपने आप बहन आगे बढ़ो। ए बहना तू कौन है और क्या है तुम्हारा नाम? किसी हो तुम लाडली कहाँ तुम्हारा कहाँ बहन वाली हो क्या नाम बहन कहते हो भैया? बोलो बहन। और बहना भैया लुट गई और रहा न कुछ भी पास, और अब मैं जी कर क्या करूं छूटी गई तो। नहीं ये लबों पे खामोशी आंखों में उसके लबरेज बहन नहीं बहन भरे क्यों आंखों में आंसू मेरी बहना बताओ रुको 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 आप लोग वीडियो का आनंद तो पूरा लेते हो देखते भी पूरा हो लेकिन कम से कम यार एक लाइक तो कर दिया करो और अपना कमेंट तो कर दिया करो कि हाँ वीडियो में क्या दिक्कत है अच्छा है या ख़राब है। अगर जो अच्छा लगे तो अच्छे के लिए कमेंट कर दो, जो आपको कमी महसूस हो तो वो कमी बता दो, ठीक है? कमेंट जरूर किया करो। देखते रहिए आप मस्ती मनोरंजन सीतापुर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जंगल में तुम तरफ ठोकरे खा भैया बोलो और बताऊं और क्या तुम्हें भैया मुसीबत की सताई तुम्हारे ऊपर छुट आया
राज घोल के आंसू बहाती हुई इस व्यापान जंगल में तुम भाग गई। भैया जिनकी गुदियां ही लुट गई हो, संसार में मुझे खाने के काबिल ना रही हो, आखिर उसके दिल का हाल पूछ कर क्या करोगे भैया? नहीं बहन, अगर एक बहन का हाल उसका भाई नहीं पूछेगा तो आजकल के जमाने में ये बंधन सभी टूट जाएंगे, भाई बहन का रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसलिए जो भी कहना है अपने भाई से दिल खोल करके तुमको। भैया अगर आपने मुझे बहन ही मान लिया है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि मेरे जीवन की पीछे की कहानी क्या है भैया। लेकिन इसके पहले भैया बोलो, आपको मुझे एक वचन देना होगा। बोल मेरी प्यारी बहन, तुझे क्या वचन चाहिए बोलो। तू जाओ, तुम्हारा भाई तुम्हें यह वचन देता है कि तुम्हें अपनी सगी बहन से ज्यादा मैं मानूंगा और बहन की ही नजर से मैं तुम्हें देखूंगा और गलत नजर से कभी। अगर जानना ही चाहते हो भैया। हाँ बहन। तो मेरा ही नाम रूपा है। रूपा? और मैं जिला इटामा इसी कस्बा जसवंत नगर की रहने वाली हूँ। एक दिन की बात है भैया, मैं अपने घर से कॉलेज को पढ़ने जा रही थी। फिर क्या हुआ? और तभी तभी मुझे रास्ते में भवानी सिंह नाम का गुंडा मिल गया। भवानी, भवानी सिंह? और फिर क्या हुआ? उस गुंडे ने मेरे साथ में जाति करने की कोशिश की भैया। इतना नीचा कर दिया? लेकिन वो अपने इरादों में नाकाम रहा। भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता एक अर्जुन नाम का लड़का आ गया। फिर क्या हुआ? और उसने मेरी इज्जत को बचा लिया भैया। मैं अर्जुन के एहसानों का बदला ना चुका सकी। हम दोनों में प्यार हो गया और प्यार हो जाने के बाद मैंने अर्जुन से कहा मेरे साथ में शादी कर लो। तो अर्जुन ने मेरे साथ में शादी कर ली। और शादी करने के बाद जब मुझे अर्जुन अपने घर लेकर गया, फिर क्या हुआ? तब जानते भैया क्या हुआ? हाँ। भैया जब अर्जुन मुझे अपने घर लेकर गया तभी उसी का दोस्त भवानी सिंह और भानु सिंह अर्जुन के मकान पे आके अर्जुन के पिता को मारकर मेरी सरदार जी बोलो, तुम बहन रूपा कहा संभालो? ये भवानी सिंह की तो बुआ की और भानु सिंह की तो बहन। कहा जा रहा है? वो खतरे से खाली नहीं, कहा जाएगा मर जाएगा। बहन रूपा, भैया आज के दिन मैं संसार में मुझे खाने के काबिल नहीं रह गई हूँ। जहाँ भी जाऊंगी सारे लोग मुझे ताना मारेंगे और ना ही तो मैं अपने गांव जा सकती हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरा तो दिल यही कहता है क्या मुझे छोड़ दीजिए और सब ये पहाड़ी में सर टकरा कर अपने। जरा सोचो, तुम्हारे जान देने से क्या तुम्हारी इज्जत वापस आ जाएगी? नहीं बहन। आखिर भैया मैं एक औरत होकर और कर भी क्या सकती हूँ? औरत अगर अपने आप पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकती है? यह इतिहास के पन्नों को खोल करके देखो, पुतली बाई वह भी तो एक औरत थी जिसने पूरे भारत में हर देश में गली गली अपने नाम का परचम का झंडे लहराया। झांसी की रानी को देखो, वह भी तो एक औरत थी जिसे मुगल शासन को खत्म करने के बाद अपने परचम का झंडा उछले है। फूलन देवी को देखो, अत्याचार करने वालों का नामानुसार मिटा दिया और अपना नाम उजागर कर दिया, वह भी तो एक औरत थी। इसलिए मेरी बहन तो प्यारी बहन तल में कूदूंगी चूड़िया वो निशाना मैं तुमको और सिखाऊंगा मैं नाम से तेरे कांपे। तोड़ दो चूड़िया और उठा लो हाथों में माँ भवानी और मिटा दो जुर्म करने वालों को नामोनिशान।
भैया ता तोड़ दी चूड़िया बंदूक ली दिए हैं और मेरी आंख में कौन चौच गंगा कहां पर लगी आग दिल में हमारे लगी दिल में हमारे लगी कालों के तालों को मैं जिंदा नहीं मुझसे बच्चर कमीने कहां जाएंगे कालों के तालों को मैं खून से बुझाऊंगी मैं अपनी जग का बदला उन कुत्तों कालों का मैं काल हूँ ऐसे छिपर जस लूंगा जो चेहरा मैं लाख कर मेरी इज्जत मेरा सुख चैन छीना है सुन लाख कर मेरी इज्जत मेरा सुख चैन छीना है ऐसा बर्बाद कर दूंगी यही दिला चलूंगा चाल मसी चलूंगा चाल में से किसी ने ना चली होगी भवानी और भानु के मुकद्दर में ठोका अरे जाम का जाम होगा पानी का होगा जाम नहीं जाम का जाम होगा पानी का होगा जाम नहीं भानु और भवानी का जूतन न मारे तो पहाड़ी मेरा नाम नहीं भैया बहन रूपा आज के बाद अपने चम्मल का नारा क्या रहेगा जानते हो क्या रहेगा बहन आज के बाद चम्मल का नारा रहेगा इंतकाम का चला इंतकाम का चला इंतकाम का चला चौकीदार देखो वो साहब आने वाले हैं वादे से ड्यूटी करो हलदार चाप आज उस मुजरिम को लॉकअप से बाहर निकालो आज वो अपना गुनाह अपने मुख से खुद कबूल करेगा जाओ लेकर के आओ यही है वो आज हमसे वो मार देंगे ये खुद ब खुद अपने मुख से अपना गुनाह कबूल करेगा बेहया बगैर सुने हमसे रहा नहीं जाता बता मेरे यार आज तक जिन हाथों में कलम और पुस्तक रहा करती थी और आज वही हाथ हथकड़ियों से जकड़े हुए हैं मैं जानना चाहता हूं मेरे यार आखिर ऐसा कौन सा सैलाब आ गया ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जिसके कारण तेरे हाथों में हथकड़ी मेरे दोस्त जानना चाहता है कि आज के दिन किन दरिंदों ने मुझे इस मंजिल पे पहुंचा हाँ मेरे यार मुझे सच सच बता तुझे तेरे दोस्त अर्जुन की कसम मेरे यार आज के दिन अपनी कसम खिला करके मुझे मजबूर कर रहे हो मेरे दोस्त बतलाऊंगा कि आ
आज के दिन मुझे किस दरिंदों ने इस मंजिल पे पहुंचा दिया जिसके हाथ में हमेशा कलम और पुस्तक रहती थी। किन दरिंदों ने आज के दिन मेरे हाथों में हथकड़ी पहना दी। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है जालिम जिसने तेरे हाथों में हथकड़ी डलवा दिया। मेरे यार बताऊंगा मेरे दोस्त, एक दिन का वाकया है कि मैं विद्यालय से पढ़ करके अपने घर पे वापस आया और तीन भाके हो जा चुके थे मेरे दोस्त। क्या कहा, तीन भाके हो जा चुके थे? वाला नहीं गया था। फिर क्या हुआ? घर पे पहुंच कर मैंने अपनी माँ से रोटी की मांग किया। मेरी माँ मेरी बात सुन करके और वो फोड़ फोड़ करके रोने लगी। क्या कहा? क्योंकि उस वक्त मेरी माँ के पास एक मजबूरी थी, घर में एक रोटी का आटा नहीं था जो कि मेरी माँ मुझे बना करके खाना खिलाती। एक रोटी का घर में आटा नहीं था मेरे दोस्त। अपनी माँ को धीरज बंधा करके और सारा दिला करके माँ से कहा, मैया मत घबराओ, तुम्हारा बेटा ये करण अब हर लायक हो चुका है, इसलिए मैं जा करके कस्बे में मजदूरी करूँगा, पैसे मिलेंगे मैं उसी से लेकर के राशन आऊंगा। तूने बिल्कुल ठीक सोचा मेरे यार। माँ से इजाजत लेकर के मैं काम करने के वास्ते चला गया मेरे दोस्त। काम करने के लिए चला गया, फिर क्या हुआ? भीमा काका की बेटी माया जो कि भीमा काका को खेत में खाना लेकर के जा रही थी और उधर उधर इधर भवानी सिंह का दोस्त भानु सिंह जो कि टहलने के वास्ते निकल चुका था मेरे दोस्त। इतना ही नहीं, बहन माया की सूरत को देख करके उसके मोहित हो गया और इतना ही नहीं वो दरिंदा बहन माया की इज्जत से नहीं गला। क्या कहा मेरे यार? वो माया की जैसे खेलना चाहा मेरे भाई। मैं उस वक्त बाजार से वापस आ रहा था, बहन माया की चीख और आवाज सुनकर के मौके पे आकर के मैंने उसकी इज्जत को बचा लिया। जिस अपमान का बदला उन दोनों दरिंदों ने मुझसे किस प्रकार से चुकाया, किस प्रकार से चुकाया मेरे यार, वही तो मैं जानना चाहता हूँ करण। इतना ही नहीं मेरे दोस्त, मेरे घर पहुँचने के पैसा वो दोनों दरिंदे मेरी झोपड़ी पे पहुंच कर मेरी क्या हो गया, झोपड़ी पे पहुंच कर उन्होंने क्या किया मुझे सच बता करण। मेरी माँ को गोली मार करके मुझे नहीं कर झोपड़ी पे पहुंच कर उन जालिमों ने माँ को दुनिया से मिटा दिया। मेरी माँ को दुनिया से मिटा दिया। जब मैं घर पे वापस आया तो अपनी आंखों के सामने क्या देखा, मेरी माँ खून से तरबतर और वो तड़प रही थी। माँ को गोद में उठा करके मैंने पूछा, मैया आज के दिन तुम्हारी ये हालत किस दरिंदों ने बनाई है? मेरी माँ उन दोनों दरिंदों का नाम बता करके और मेरे ही हाथों पे अपना दम तोड़ दिया। मैं कर ही क्या सकता, मैं एक गरीब का बालक और वो जमींदार। अपने दिल में यही सोचा कि मैं कानून का सहारा लूंगा जहाँ की गरीब और यतीमों को हमेशा के लिए इंसाफ दिलाया जाता। तूने बिल्कुल ठीक सोचा मेरे यार। मेरे भाई फिर क्या हुआ करण? माँ को गोद में उठाकर और जसवंत नगर थाने के गेट में पहुंचा, लेकिन मेरी बदकिस्मती ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तेरी बदकिस्मती ने तेरा साथ नहीं छोड़ा? कहने का मतलब मेरे दोस्त, मेरे पहुंचने के पैसे ही वो दोनों दरिंदे थाने में पहुंच चुके थे और आपके ही डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर अवधेश जो कि मेरी इन आंखों के सामने रिश्वत लेकर के उन दोनों दरिंदों से एक निर्दोष को दोषी साबित कर दिया, मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर और मेरी ही माँ के खून के इल्जाम कहा मेरे यार, इसने तेरा उद्देश्य ने रिश्वत ले लिया और एक बेगुनाह इंसान को उसने गुनहगार बना दिया। हाँ मेरे दोस्त, अब तू ही बता मेरे भाई
क्या वृक्ष स्वयं अपने फल को खा सकते हैं या नदियां स्वयं अपने जल को पी सकती हैं? और एक बेटा अपनी माँ का खून करेगा? नहीं मेरे दोस्त, मैं निर्दोष हूँ, दोषी था नहीं बल्कि मानता हूँ मेरे यार कि दोषी तू नहीं था, तुझे बेगुनाह से गुनेगार बनाने वाला वो इंस्पेक्टर अवधेश है। अब हम आ गए हैं करण, अब हम आ गए हैं जिस कानून ने तुझे धोखा दिया है और जिस कानून से तुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं तेरे साथ इंसाफ करवाऊंगा। देखना मेरे यार, अगर उन जालिमों को फांसी की सजा ना दिलवाया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह नहीं। क्या कहा मेरे दोस्त, उस कानून से इंसाफ मुझे तू दिलाएगा? हाँ करण। हरि, उस कानून की बात करता है जो कानून चंद कागज के टुकड़ों पे इस वक्त दिखता है। नहीं करण, नहीं। कानून ने आज के दिन मुझे इस मंजिल पे पहुंचा दिया। उस कानून की बात करता है, वहां से इंसाफ मुझे मिलेगा? नहीं मेरे भाई, दुनिया में इंसाफ का कोई नाम ही नहीं है। अगर दुनिया में है तो सब कुछ पैसा है मेरे दोस्त। नहीं करण, सिवा कुछ नहीं है। अरे यार, उसी कानून ने तो मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना मैं उन्हें गिरफ्तार करता। अरे यार, हम दोनों तो एक ही मंजिल के राही हैं करण। हम दोनों एक ही मंजिल के राही हैं। हाँ दोस्त, हम तो ठहरा एक गरीब बालक और आप इतनी बड़ी घराने के रहते हैं, फिर भी कैसे हैं हम दोनों एक मंजिल के राही हैं? आखिर तेरे साथ में क्या गुजरा है, कैसी क्या कहानी है? तेरा ये बदनसीब साथी करण सिंह, जो कि तुझे करण सिंह की कसम है, बोलना मेरे भाई। क्या भाई बोल। मैं जानना चाहता हूँ, अपनी कसम दिलाकर और मेरी भी कहानी जानना चाहता है तो बताऊंगा मेरे यार। जिस तरह से उन जालिमों ने तेरी माँ का खून कर दिया, उसी तरह से उन्हीं जालिमों ने मेरे भी पिता का खून कर दिया। मेरे चाचा भी दुनिया से। नहीं नहीं करें, उन जालिमों ने पिता का खून कर दिया और उसके बाद तेरी भाभी और मेरी बीवी रूपा को उठा ले गए। काश समय रूपा मिल गई होती तो मैं रूपा की गवाही से उन्हें गिरफ्तार करता। और तू तो जानता है मेरे यार, बगैर सबूत और बगैर गवाही को किसी को गिरफ्तार करना नामुमकिन है। मेरे पास अब तक कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था, अब तू मिल गया है मेरे यार। अब देखना, तेरे ही गवाही से मैं उन्हें गिरफ्तार करूंगा और बहुत जल्द उन जालिमों को फांसी की सजा मैं दिलाऊंगा। हवलदार करण को ले जाओ, इसे तब तक लाकर में रखो जब तक मैं इसे बेगुनाह साबित नहीं करवा देता, तब तक मैं इसका चालान नहीं होने दूंगा और इसकी देखरेख अच्छी तरह से करते रहो। दोस्त अर्जुन, मुझे तूने यकीन दिलाया है कि मैं कानून से इंसाफ तुझे दिलाऊंगा, कहीं ऐसा मत करना इंस्पेक्टर अवधेश की तरह से रुपयों के लालच में फंस करके और अपने इस बदनसीब साथी को भुला दे रहा। कैसी बात कर रहा है? क्योंकि तेरे सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं मेरे भाई। कैसी बात कर रहा है मेरे यार? मेरी डूबती हुई नैया का पतवा मैं तुझे भुला दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। तेरा ये दोस्त आज इस वर्दी की कसम खा करके कह रहा है तेरे साथ ये तेरा दोस्त इंसाफ करवाएगा। चौकीदार, पानी सर से गुजर रहा है और इन जालिमों का जुर्म हद से बढ़ता जा रहा है। हथकड़ी उठा और पैगाम बढ़ाओ इन जालिमों की हमेली की तरफ, हम इन्हें आज इसी वक्त गिरफ्तार करेंगे। सच कहते हो? चलिए करण, बोलो क्या कहना चाहते हो? साहब, कहने के सिवा अब मेरे पास नहीं क्या गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ,
अपनी माँ का खून मैंने नहीं किया है सर। ये तो मैं जानता हूँ कि तुमने अपने माँ का खून नहीं किया है। खून करने वाले वही भवानी सिंह और भालू सिंह है, लेकिन इसमें एक साजिश है इंस्पेक्टर भालू सिंह की। चंद कागज के टुकड़ों में बिककर आपके हाथों में हथकड़ी लगा दिया और हवालात में बंद कर दिया। मैं तो एक ठहरा सिपाही, खड़े खड़े आपके साथ में कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन जिस अर्जुन सिंह के ऊपर आप इतना नाज करते हो, वो आपके साथ कभी इंसाफ नहीं कर सकेगा। मुझे यकीन है वो मेरे बचपन का साथी, मुझे बचन दिया है, वो कानून से मुझे इंसाफ अवश्य दिलाएगा। नहीं, वो इंसाफ तुम्हें नहीं दिला सकता। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ऐसा है, उसके पिता का खून हो गया, उसकी बीवी का अपहरण हो गया, वो अपना कुछ नहीं कर सका। जब वो अपना इंसाफ नहीं कर सका तो तुम्हारे साथ क्या इंसाफ करेगा? आज मैं वादा करता हूं, आज मैं वादा करता हूं तुम्हारे साथ मैं इंसाफ करूंगा। करण, आज मैं तुम्हें यहां से रिहा करता हूं। करण, जाओ अपने दुश्मनों से चुन चुन के बदले चुका लो, यहां से भाग जाओ। साहब, 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 वो करण भाग्या। क्यों चिल्ला रहा है? अरे वो करण भाग्या जेल तोड़कर। क्या कहा? करण भाग गया। वो भाग्या करण। करण को हम पे भरोसा नहीं रहा। करण लॉकअप से भाग गया। जी साहब। आज तक कोई भी मुजरिम कानून से बच नहीं सका, और यदि करण कानून से भागता रहा तो एक दिन वो पुलिस की गोली से मारा जाएगा। मैं उसे कभी बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगा, इसलिए करण को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। उसे भागे हुए कितनी देर हुए हैं? पांच मिनट। पांच मिनट पीछा करो, पीछा करो, आओ मेरे। करना चाहिए के साथ बीमा काका के मकान पे पहुंच करके और बहन माया को साथ में लेकर के इन हराम जादों की रियासत से बहुत दूर निकल जाना चाहिए। क्योंकि बहन माया को मैंने वचन दिया था कि तेरी हर मुसीबत का सामना तेरा भाई करण करेगा। अगर मेरे जीते जी मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। आ रहा हूँ बहन, आ रहा हूँ। करण कस्बे की तरफ जा रहा है, ये कस्बे में घुसने ना पाए इसका पीछा करते रहो। चलिए सर। भानु सिंह, क्या बात है ठाकुर? आज चलते हैं भीमा की झोपड़ी पे। भीमा साला अपने बाप की रकम सोचता होगा, पैसा देना तो अलग बात रही, अपनी सूरत साला दिखाना हमेरी नहीं आया है। अगर ये बात है ठाकुर, पैगाम बढ़ाओ भीमा किसान की झोपड़ी पर, और एक एक पैसा साले बुढ़वा से वसूल करते हैं। बढ़ाओ।